नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। AIMIM प्रदेश में लड़ेगी जिला पंचायत चुनाव। AIMIM के उत्तर प्रदेश कार्यालय लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बताया, कानपुर नगर से पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष हाजी मोइनुद्दीन उर्फ मैनू भाई ने अपने साथियों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। पार्टी के लिए जी जान से काम करेंगे। साथ में पीस पार्टी के नगर अध्यक्ष नबी हसन, मो शून्य आकिल, मकसूद अली समेत बहुत से लोग मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, हाजी मोइनुद्दीन को पार्टी जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी देगी। हाजी मोइनुद्दीन के सदस्यता लेने से पार्टी कानपुर नगर में बहुत मजबूत होगी। सवाल पूछने पर शौकत अली ने बताया, सर आप MIM से प्रदेश अध्यक्ष, तो काफ़ी जिम्मेदारियां आपके ऊपर होगी प्रदेश के अंदर, और आज जो आपके यहाँ मीटिंग लगा हुआ, तो क्या इसमें आज कुछ नया हुआ है? देखिए, आज कोई मीटिंग नहीं थी, कुछ खास लोग मुझसे मुलाकात करना चाह रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन में मीटिंग नहीं कर सकते हम, तो कुछ खास लोग मिलना चाह रहे थे, तो जिसमें कानपुर से जनाब हाजी मोइनुद्दीन साहब जो पीस पार्टी के ज़िला सदर थे, उन्होंने आज हमारी पार्टी में जैसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ग्रहण की है। हमारी जमात में जैसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका इस्तेमाल करती है, और इस पार्टी के नगर अध्यक्ष ने भी आज पार्टी की सदस्यता ली है। हम तमाम लोग, जो भी लोग आज हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं, जो कानपुर से तशरीफ लाए हैं, मैं उनका ममनून मशकूर हूँ, और साथ ही साथ उन तमाम लोगों का अपनी जमात में जैसे इत्तेहाद मुस्लिमीन में इस्तेमाल करता हूँ। हाजी मोइनुद्दीन साहब के आने से यकीनन पार्टी को मजबूती मिलेगी कानपुर के अंदर, और जल्द ही इनको एक बड़ी जिम्मेदारी इंशाअल्लाह ताला दी जाएगी, ताकि कानपुर का संगठन मजबूत हो। चूँकि हमको कानपुर की सारी विधानसभाओं में 2022 का इलेक्शन लड़ना है, उसके पहले ज़िला पंचायत का इलेक्शन है, जो हमारे लिए एक रिहर्सल है। ज़िला पंचायत का इलेक्शन पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पूरे उत्तर प्रदेश में हम लड़ेंगे, और कई पार्टियों से हमारी बात चल रही है। विधानसभा चुनाव में क्या आपका किसी पार्टी के साथ अलायंस होगा? विधानसभा इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हमारी 14 पार्टियों से बातचीत चल रही है, एक मोर्चा बना करके हम लोग मैदान में उतरेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर लोग समाजवादी, बहुजन समाज और कांग्रेस और BJP से आजीज हो चुके हैं, और लोग विकल्प की तलाश में हैं, तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला एक विकल्प के तौर पर लोगों के दरमियान में आए। क्या कानपुर नगर में उमर मारूफ साहब और कई लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल वहाँ पर क्या कुछ बदलाव करने की स्थिति है? अभी देखिए, उमर मारूफ साहब यकीनन पार्टी के बहुत ही मुखलिस जिम्मेदार साथी हैं, और अव्वल दिन से ये जमात में काम कर रहे हैं। इस वक्त वहाँ के यूथ के महानगर के अध्यक्ष हैं। अब देखेंगे इंशाल्लाह ताला संगठन जैसा कहेगा इनको, हो सकता है कि ऊपर लाया जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जहाँ भी ये काम कर रहे हैं वहाँ भी इनकी बहुत सख्त ज़रूरत है।